नमस्कार दोस्तों, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के डेरा डाला हुआ था और सबकी निगाहें एक टकटकी बांधे देख रही थीं कि आखिर निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है। और अंततः आज 30 दिसंबर को सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थितियां साफ कर दी हैं। हालांकि चुनाव का निर्णय अभी नहीं लिया गया है, 5 जनवरी के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। और उन्होंने बताया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, उन सब से उन्होंने मुलाकात करी और सबका यही कहना था कि समय से ही निर्वाचन हो। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें तो 14 मई 2022 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और राज्य में 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 317 जनरल हैं, 84 SC हैं और 2 ST/AS के लिए पहले से सुरक्षित की गई हैं। और दोस्तों, किस तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन रहित चुनाव हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो तैयारी करी है, साथ साथ जो कोविड की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के भी क्या तैयारी करी, ये सारी जानकारियां आज दी गई हैं। सबसे पहले तो पोलिंग आवर्स को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है और मतदान केंद्रों पर जितने भी कर्मी होंगे उनको कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का अनुपालन करना ही होगा और साथ ही साथ उनका वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज है वो प्राथमिकता की दृष्टि से उनको लगाई जाएगी और मतदान स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करने के लिए प्रवेश और निकास के उचित संकेतांक भी सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड मानदंडों को देखते हुए जैसे एक केंद्र पर निर्वाचकों की संख्या 1500 होती थी, उसको घटाकर 1250 कर दिया गया। अभी तक 1,74,351 मतदान स्थल स्थापित किए हैं, जो पिछले बार के यानी 2017 के चुनाव से 11,020 संख्या में अधिक है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार से और हेल्थ सेक्रेटरी से निर्वाचन आयोग ने कुछ विचार विमर्श भी किया है और उसको देखते हुए कुछ नए निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें निर्णय लिया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि जितने भी राज्य के मतदान कर्मी होंगे सबको वैक्सीन की दोनों डोज लगानी बहुत जरूरी होगी और इसके लिए उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देने के भी आयोग ने आदेश जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। और दोस्तों, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ और जरूरी बातें हैं, क्योंकि एक वैन को भी आज झंडी दिखा के रवाना किया गया है। अब दोस्तों, अगर हम पुनरीक्षण की बात करें तो अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित कर लिया गया है। राज्य में अभी तक यानी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या इस समय 15.02 करोड़ है और जब 5 जनवरी को अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तो मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे और आखिरी समय तक क्लेम और ऑब्जेक्शन सबमिट किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर हम इलेक्टोरल जनरल रेशियो की बात करें, जेंडर रेशियो की, तो 2017 की अपेक्षा ये 29 अंक बढ़ गया है, यानी 2017 में 839 था और अब ये जेंडर रेशियो 868 तक पहुंच गया है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 3 गुना बढ़ गई है। पहले इनका रेशियो 0.51% था और अब ये बढ़कर 1.32% हो गया है। महिला मतदाताओं को देखते हुए भी लगभग 800 ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाए गए हैं जहां महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि प्रदेश में अब तक जो है वो 10.6 लाख दिव्यांग यानी 10,64,000 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से आयु के अधिक के 24.03 यानी 24,03,000 मतदाता हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये सभी लोग चाहे तो वोट डालने आए, इनके लिए पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी दी जाएगी, व्हील चेयर भी वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अब ये पोस्टल वोटिंग भी कर सकते हैं। अभी तक जो कर्मचारी होते थे उनको पोस्टल वोटिंग करने की सुविधा होती थी, अब दिव्यांग और 80 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी ये वो वोट डाल सकेंगे अपना पोस्टल वोटिंग के माध्यम से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बता दिया गया है कि 31 दिसंबर यानी कल तक जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में कंप्लेंस वगैरह हो वो भेज दी जाएं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके का
कोई प्रलोभन ना हो और बिल्कुल निर्बाध रूप से ये चुनाव हो सके। तो दोस्तों लोगों की दृष्टि लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्वाचन आयोग तिथियां घोषित कर दे, लेकिन जो भी जानकारी आज निर्वाचन आयोग ने दी है वो महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा कि शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आवाजाही पर प्रभावी रूप से राज्य सरकार रोक लगाए और चुनावी प्रक्रिया को गैर कानूनी गतिविधियों से कहीं भी दूषित न होने दिया जाए। तो इस तरीके से राज्य सरकार स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं सभी राजनीतिक दलों से भी निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोविड का खास तौर से ध्यान रखते हुए वो अपना प्रचार प्रसार करें। दोस्तों अगर खबर आपको ठीक लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब